गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ त्रिशा एंड आप देख रहे हो वंडर त्रिशा। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला समर हॉट मेकअप लुक। इस लुक में मैंने मेकअप को थोड़ा सा न्यूड रखा है एंड आईज को मैंने थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक दिया है। आप लोग देख सकते हो मेरा नॉर्मल स्किन कैसा है एंड इसमें मेकअप आएगा तो कैसा लगेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने से पहले स्किन को क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ आयुर का क्लींजिंग मिल्क जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसको मैं मेरे पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी हाथों की मदद से एंड थोड़ा सा मसाज करके उसको मैं कॉटन पैड की मदद से रिमूव कर दूँगी। उसके बाद मैं फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा रोज़ वाटर मेरे पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी एंड इसको ड्राई होने दूँगी। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक प्राइमर। आप लोग गर्मियों के सीज़न के लिए मैट प्राइमर यूज़ कर सकते हो एंड प्राइमर अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना मत भूलना। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक वेट करना, उसके बाद ही प्राइमर अप्लाई करना एंड उसके लगभग 5 मिनट बाद आप लोग बेस मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्रायलॉन का ऑरेंज कंसीलर ले रही हूँ मेरे डार्क सर्कल्स को एंड जितना भी मेरे फेस पे पिंपल के मार्क्स है उन सबको हाइड करने के लिए। अगर आप लोग मेकअप को थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। मैंने ऑरेंज कंसीलर अप्लाई करने के बाद उसको उंगलियों की मदद से ब्लेंड कर लिया है एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रायलॉन का FS36 नंबर का कंसीलर। इसको आप लोग एज ए फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। ये फुल कवरेज होने के साथ साथ वाटर प्रूफ भी है, तो आप लोग बिना टेंशन के ही इसको अप्लाई कर सकते हो। गाइस अभी मैं आप लोगों को छोटा सा एक टिप देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को कोई पूछे कि आप लोग ब्रश प्रेफर करते हो या फिर ब्यूटी ब्लेंडर, मैं बोलूँगी ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप बिगिनर हो तो ब्यूटी ब्लेंडर आपके लिए बेस्ट है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो भी ब्यूटी ब्लेंडर बेस्ट है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे से मेकअप का फिनिश देता है एंड बहुत अच्छे से मेकअप को ब्लेंड कर देता है। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ एले गर्ल का कंसीलर। इसका नंबर मुझे नहीं पता मगर ये सबसे लाइट वाला था ये मुझे पता है, तो इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ मेरे अंडर आई पे, मेरे नोज़ के ब्रिज में एंड थोड़ा सा फोरहेड में, थोड़ा सा अपर लिप में और थोड़ा सा चिन पे। ये मेरा हाईलाइट पॉइंट है, इन जगहों पर ही कंसीलर अप्लाई किया जाता है एंड इसको मैं ब्लेंड करी एक छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, आप लोग भी इस तरह से ही करना। एंड अभी मैं मेरे मेकअप को सेट कर रही हूँ क्रायलॉन का पाउडर से। ये TL पाउडर है सबसे लाइट शेड का, तो इसको मैं मेरे अंडर आई पे लगा रही हूँ, मेरे चिन पे लगा रही हूँ, मेरे फोरहेड पर भी लगाऊंगी एंड मेरे आईज पर भी लगाऊंगी। लाइक पूरे मेकअप को सेट करने के लिए बेस्ट है। इसके बाद आप लोगों को कोई भी मेकअप फिक्सर लगाने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। मैं अभी आप लोगों को टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक ड्राई स्पंज है एंड इसको मैं मेरे फुल फेस पे डैप डैप करके दिखाऊंगी। बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, आप लोग देख सकती हो कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकला है, तो इतना अच्छा है ये वाला प्रोडक्ट। सो गाइस अभी टाइम है हमारा आईब्रो ड्रॉ करने का। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक एंगुलर ब्रश एंड 2 ब्राउन कलर का आई शेडो। आप लोग ब्लैक भी ले सकते हो मगर ब्लैक थोड़ा सा नेचुरल कम लगता है, तो ब्राउन ही ठीक है। तो हम लोग आईब्रो को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आईब्रो के पीछे के साइड को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक्सेस जो प्रोडक्ट है उससे हम लोग आईब्रो के सामने की तरफ तो ड्रॉ कर लेंगे एंड इसको हम लोग कंसीलर की मदद से शार्प कर लेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग एक ऑरेंज कलर का आई शेडो लिया है एंड उसके बाद हम लोग आईलिड पे उसको बहुत अच्छे से लगा लिया है एंड अभी हम लोग अप्लाई करें एक डार्क ब्राउन आई शेडो एंड इन दोनों को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे।
कोई हार्श लाइन ना दिखे इसीलिए मैं एक लाइट कलर का आई शेडो लेके उसको मैंने मेरे आईब्रो के बोन पर लगाया है एंड एक व्हाइट कलर का आई शेडो लेके आईज़ के इनर कॉर्नर पर लगाया है। सेम ब्राउन कलर का आई शेडो लेके मैंने आँखों के नीचे लगाया है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक फॉलो कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया है एंड आईज़ के एकदम मिडिल पार्ट से थोड़ा सा लाइन खींच लेकर उसको मैंने उंगलियों की मदद से मिला लिया है। इससे आईज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एंड आईज बहुत ज़्यादा लिफ्टेड लगता है एंड इसको मैं सेट कर रही हूँ एक वाइट कलर का आई शेडो लेकर। सो गाइस अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर मैंने चूज़ किया है हुडा ब्यूटी का, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैं ये आईलाइनर को क्रिएट कर रही हूँ। मैं इतना अच्छा आईलाइनर नहीं लगा सकती मगर मैंने ये क्रिएट किया है एंड आप लोग देख सकते हो आईज कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। मैंने आईज के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है वाइट काजल लगाने के लिए एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ एक मस्कारा। आज हम लोग कोई भी आई लैश नहीं लगाएंगे तो मस्कारा को बहुत अच्छे से अप्लाई करना होगा एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल हमारे ऊपर वाले जो आई लीड है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा एक स्पेस छूट जाता है तो उससे थोड़ा सा गंदा लगता है इसीलिए। अभी मैं काजल को मेरे आईज के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ एंड बीच पे मैं वाइट कलर की काजल लगा रही हूँ। इससे आईज बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आप लोग ट्राई करना, देखना, मेरा ये फेवरेट है। सो हमारा आई मेकअप लगभग कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोग देख सकते हो अभी से ही मेरे आईज कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ब्रॉन्जर। ये मेकअप स्टूडियो का ब्रॉन्जर है, इसको हम लोग हमारे चीक्स पर अप्लाई करेंगे, फोरहेड पर अप्लाई करेंगे, नोज़ पर अप्लाई करेंगे, नोज़ को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए। गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट पे बताना कैसा लग रहा है। तो हमारा ब्रॉन्जर अप्लाई करना लगभग ख़त्म हो गया है, आप लोग देख सकते हो। ब्लश के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे आई शेडो पैलेट से थोड़ा सा रेड एंड थोड़ा सा पीच कलर एंड उसके साथ मैंने मिला लिया है थोड़ा सा बर्गंडी कलर एंड इसको मैं अच्छे से मेरी चीक बोन पे अप्लाई करूँगी। ये थोड़ा सा यूनिक लगता है, आप लोग देख सकते हो दोनों चीक्स पर, नोज़ पर, थोड़ा सा चिन पर लगा लिया है एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का हाइलाइटर चूज़ किया है क्योंकि हम लोग मेकअप को थोड़ा सा न्यूट रखने वाले हैं तो ये परफेक्ट है। मैं यहाँ पे कोई भी मेकअप फिक्सर यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप लोग 5-6 घंटे के लिए बाहर रहते हो तो आप लोग प्लीज़ मेकअप फिक्सर यूज़ करना लास्ट में। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ एक न्यूट पिंक कलर का एंड लिप्स को थोड़ा सा पूफी दिखाने के लिए मैंने लिप्स के अंदर के जो दो एंड है वहाँ पे ब्राउन कलर का लिपस्टिक भी लगाया है। आप लोग देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है मेरा पूरा लुक। Internet's gone low, so time is for making love with you. So I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my hand, getting stuck to the race with you. For a sleep and cruise, no. Stress is getting just a little bit lower, mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be found in the broken, a way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me, times two.